भाई एमिली क्या पूतना बन चुकी है भाई। एक सेकेंड, ये जनरेटर की तरफ क्यों जा रही है इतने गुस्से भरी निगाहों से? ऑल राइट, ओ ओ भाई ये लगा एमिली को जोरदार झटका। हमारी खतरनाक सी एमिली गिर पड़ी है भाई, क्या आवाज़ निकाली है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज आज हम लोग आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम के साथ। सो गाइज आपको पता ही होगा कि कर्स ऑफ स्टेप मदर एमिली एक बिल्कुल ही नया गेम है, 2-3 महीने हुए हैं इसे लॉन्च हुए एंड इसका चैप्टर 2 भी आ चुका है। चैप्टर 1 अगर अभी आपने नहीं देखा तो उसे देख लेना जाके। एंड चैप्टर 1 में हमको काफ़ी मज़ा आया था खेलने में इस गेम को। एंड इसमें काफ़ी सारे मॉड्स हैं, एक्सट्रीम मॉड भी है इसमें, ईजी मॉड भी है एंड इसमें नॉर्मल मॉड भी है। तो यस, एंड हाँ एक्सप्लोरिंग मोड भी है। तो आज हम लोग इसको एक्सप्लोरिंग मोड में ट्राई करेंगे बिकॉज ये बिल्कुल ही नया है, ठीक है। चैप्टर 2 बिल्कुल ही नया है। एक सेकंड, सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे जो एमिली है। ओके, एमिली को हमने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था चैप्टर 1 में। ऑलराइट, सो एमिली यहाँ आके बैठ गई थी। ओके गाइस, सो मैं आपको बता दूं लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर में हमको एमिली को गुस्सा दिलाना था एंड हमने अलग अलग तरीके के प्रैंक करके इतना ज़्यादा उसे गुस्सा दिला दिया कि वो बाहर जो किचन का डोर है उसे तोड़ के गार्डन में जाके आराम से बैठी हुई है। अब हमें उसे वहाँ पर भी नहीं छोड़ना, वहाँ पर भी उसे इतना परेशान करना, इतना परेशान करना है कि वो वहाँ से भी चली जाए। एंड हम फाइनली जो नीचे, क्या नाम है उसका, रोज़, हाँ उस रोज़ को हम उसे एस्केप करा सकें। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। वैसे इन कांचों को फोड़ने की ज़रूरत है नहीं बट मैं फिर भी तोड़ देता हूँ। एंड मुझे सब कुछ पता है कि इसमें हमें क्या करना है क्योंकि मैंने इससे पहले एक लंबा चौड़ा गेम प्ले रिकॉर्ड किया है एंड उसमें मैंने इस पूरे गेम को अच्छे से समझा है कि क्या करना है हमको, कौन सा टास्क करना है, कैसे करना है। एंड वो कुर्सी वहाँ पर अकेली क्यों पड़ी है भाई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, है ना। वही एमिली जा रही है। अरे भाई मैं डर क्यों रहा हूँ, मुझे पता नहीं था मैं एक्सप्लोरिंग मोड में हूँ। सो यस, एंड इसको भी हम लोग सभी मोड में ट्राई करेंगे, एक्सट्रीम, हार्ड, नॉर्मल, सब, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये शुगर की एक बोरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हो आप टास्क लिखा हुआ है, लुक फॉर फ्रेश मीट इन द फ्रिज, गेट फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, कैच सम फिशेज इन द लेक। ओके, मेरे को यहाँ पे कुछ मिला, हाँ मेरे को वेपन पीस मिला है। ऑल राइट, सो यहाँ पे जरा ये सारे जो ड्रॉअर हैं चेक कर लेते हैं। ओके, ये जो कॉइन्स है ना ये भी काम आने वाले हैं तो उसको भी रख लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा एंड लॉक पिक की मुझे ज़रूरत है नहीं अब। एंड गाइज, मतलब ये जो अपडेट आया ना चैप्टर टू का एक पुराना वर्जन भी है, मतलब चैप्टर 2 आने के बाद उसका अपडेट एक बहुत ही जल्दी आ गया चैप्टर 2 में, ठीक है। तब ये बैल्कनी नहीं थी जो यहाँ पे बनी हुई है अभी एमिली के रूम में। सो यार ये भी नई ऐड हुई है एंड ये डायरेक्ट हमको बाहर के एरिया से कनेक्ट करती है। सो यस, ओके, मैंने एक्सप्लोरिंग मोड एक बार पहला इसलिए ट्राई कर लिया ताकि मतलब जब मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करूँ अपने चैनल के लिए तो ज़्यादा लंबा जोड़ा ना हो और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मुझे पता रहे कि मुझे क्या करना है। बस मैं एक कांच ही फोड़ देता हूँ क्योंकि मज़ा आता है इन्हें फोड़ने में। सो या, और कुछ नहीं है इसका चक्कर। ऑल राइट, ओके ओके, एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा था यहाँ पे, हाँ ये वो है ना फिशिंग लाइन, तो इसको हम फिशिंग में यूज़ करेंगे। सो या, एक सेकंड, अभी यहाँ पे मेरे को ना देखो कितना बड़ा एरिया है। हाँ ये एक और कॉइन मिला एंड ये मुझे मिला है शुगर कप। ओके, अभी शुगर कप को लेके चलते हैं एंड ये जो शुगर है इसको भरते हैं, ठीक है। शुगर हमने भर ली है इसमें एंड लेट्स गो। यहाँ पे एमिली का सिर भाई इतना लाल क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है बट जो भी है भाई, धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, हो सकता है इसलिए हो रहा हो। एंड ऊपर ले देख सकते हो आप एक्स क्रॉप का बोर्ड लगा हुआ है एंड वहाँ पे रियल इस्टेट लिख रहा है, बिल्कुल मेरे चैनल जैसा नाम। चलो ठीक है, अभी
इसको इस पे डालेंगे, पोर द शुगर इनसाइड द मोटर। ऑलराइट डाल दी हमने, एंड अभी यहाँ पे एमिली आएगी। अरे ये क्या हो गया फर्श को, पता नहीं। ओके एमिली जा रही है। भाई एमिली क्या पूतना बन चुकी है भाई। एक सेकेंड, ये जनरेटर की तरफ क्यों जा रही है, इतने गुस्से भरी निगाहों से। ऑलराइट ओ भाई ये लगा एमिली को जोरदार झटका, हमारी खतरनाक सी एमिली गिर पड़ी है भाई। क्या आवाज़ निकाली है। एंड गाइस इस गार्डन में ना काफ़ी सारा और भी एरिया है, तो इसका चैप्टर 3 भी आएगा काफ़ी जल्दी। या तो मज़ा आएगा, चैप्टर 3 भी खेलेंगे। वैसे चैप्टर 2 तो कंप्लीट कर लें अभी। चलो गेट फ्रेश फूड द गार्डन, ओके फ्रॉम द गार्डन। ओके ये तो लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। ऑल राइट हमको 10 वाटरमेलन कलेक्ट करने हैं। सो ओके गाइस, सो 10 वाटरमेलन कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। एंड अभी हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से नीचे। बेचारी जो रोज़ है वो इंतज़ार कर रही है इस प्लेयर का नाम क्या है भाई? आई थिंक क्लेयर है, क्योंकि वो जब बोलती है नीचे रोज़ तो वो क्लेयर करके बोलती है। तो हाँ ओके, फिशिंग रॉड वाह क्या गवार वाली भाषा, फिशिंग रॉड। ओके ये क्या है, ठीक है यहाँ पे हमको एक वेपन का एक और पीस मिल गया। इसी तरीके से हमको 5 पीस चाहिए वेपन के। एंड उनकी लोकेशंस कहाँ है मेरे को ज़्यादा तो पता है, बट देखते हैं। चलो ओके अभी ज़रा फिशिंग करते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये डाली हमने फिशिंग रॉड। ऑलराइट वो भी फिश का इंतजार करते हैं। ओके भाई मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ ना, मैंने इसको एक्सप्लोरिंग मोड में इतना ट्राई किया कि पूछो मत, मतलब मत पूछो ना। ऑल राइट तो हमें फिश मिल चुकी है। एंड अभी हमारे को फिशिंग रॉड का कोई काम नहीं है, तो वहीं फेंक दिया है मैंने। एंड अभी वापस चलते हैं यहाँ से। भाई इस गेम में भी बस एक ही प्रॉब्लम है, वो सेम स्कैरी टीचर वाली, चलने के साउंड की। भाई क्या ही साउंड है। ओके यहाँ पे मैं एक काम कर, एमिली ओ भाई मैं क्यों बार बार घबरा रहा हूँ इससे भाई, एमिली नहीं देख पाएगी मेरे को। आवाज़ इसकी कितनी खतरनाक सी आई है, इसको इसमें डाल सकते हैं। ऑल राइट इसको अभी नहीं डाल सकते, क्या ये कटेगा नाइफ से? नहीं, वैसे नाइफ की उठाने की साउंड बड़ी मज़ेदार है। ओके इसे यहाँ फेंकते हैं एंड अपना नाइफ दो वापस। अरे आ जा भाई नाइफ। ओके नाइफ आ गया क्या, हम ओ नाइफ से हम इसे काट सकते हैं एंड इसे काट सकते हैं। ऑल राइट सो यहाँ पे नाइफ से हमने ये 3 चीज़ काटे हैं। यू हैव एवरीथिंग कलेक्ट, स्टार्ट मेकिंग अ न्यू कॉकटेल। ओके सो हमें स्टेप एमली के लिए एक न्यू कॉकटेल तैयार करनी है। ऐड करते हैं ये मीट, ये गया। ऑल राइट ओ एक सेकेंड, गलत चीज़ डाल दी मैंने। मुझे जाके ना अभी ये जो कॉइन मिले थे मुझे इतने सारे, ये अब कहाँ काम आएंगे मैं दिखाता हूँ। सामने देख रहे हो एक मिल्क की, एक क्या कह सकते हैं इसे हम, एक वेंट मशीन लगी हुई है। एंड इसमें से हमें ओके हमें यहाँ पे एक मिल्क का पैकेट मिल चुका है। एंड इसे लेके चलते हैं वापस से अंदर एंड दोबारा से जो कॉकटेल से बनाना शुरू करते हैं। ऐसी खतरनाक कॉकटेल बनाएंगे ना स्कैरी मदर क्या है भाई, स्टेबलर एमली के लिए कि वो मतलब घायल हो जाएगी, घायल। ओके भाई ये गलत डाल दिया मैंने। सो वी एक सेकेंड, ये वाटरमेलन क्योंकि ये लिक्विड ही है एंड ये वाटरमेलन में पानी होता है इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं इसको नहीं, इसकी रेसिपी कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए कि किस, अच्छा हमको ना ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं डाल देनी है जो मैं अभी धीरे से ट्राई कर रहा हूँ ना, ऐसे ही डालने का हमको इसको एक पैटर्न के हिसाब से डालना है। सो सबसे पहले आई थिंक मेरे को ये डालना है, नहीं यार ये नहीं डालना, फिर क्या डालना है, चलो थोड़ा सा वेट करते हैं ठीक है। ओके अभी मेरे को सबसे पहले ये मीट डालना है ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको डालते हैं। ऑल राइट अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करो। ओके अभी लिक्विड ही है ये, तो अभी मेरे को आई थिंक ये मिल्क डालना है, इसे डालते हैं। ऑल राइट सही जा रहा है। एंड ओ एक और बार डालना है आई थिंक मिल्क हमको, ठीक है डाल देते हैं। ऑल राइट के फील्ड फ्लेवर मतलब भाई वाटरमेलन ना, वाटरमेलन फील्ड से आया फील्ड फ्लेवर। चलो कोई नहीं मेरे को पता चल चुका है पैटर्न, तो इसे दोबारा करेंगे इस चीज़ को। एंड या बहुत इजी है भाई, इतना मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा हूँ, अभी तो नहीं डाल सकते ना फील्ड फ्लेवर। ओके डाल दिया, नाइस ओके हो गया।
मुझे दोबारा नहीं करना पड़ा, हो गया, नाइस। इसको खोलते हैं एंड स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि स्पाइस नहीं, ओके ये पट्टी, भाई ये क्या चीज़ है अजीब सी, इसको डाल देते हैं, ठीक है। ओके तैयार, रिप्लेस एमिलीज कॉकटेल एट अ लेक विद द फेक वन। ओके गाइस, सो ये देख लो एमिली का कॉकटेल यहाँ पे रेडी है, खतरनाक वाला। इसका ये वाला एक्सचेंज करते हैं और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले एमिली आ जाए, वैसे आ जाए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट एंड गाइस, एक और चीज़, हम लोग ना एमिली के सिर पे यानी हम एमिली के खोपड़े पे ये पत्थर मार के उसे वो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए बेहोश, ठीक है। एंड वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, बस यार इसमें यही एक कमी है, 10 सेकंड के लिए। भाई कोई क्या कर लेगा है, इंसान 10 कदम चल ले ख़त्म 10 सेकंड, इसलिए ये बेकार है। जाओ एमिली, अरे पीछे क्यों देख रही है? अरे बेटा कहाँ बनाया हो तूने मिलने? एमिली जी मैंने आपके लिए जूस बना के रखा है, वहाँ पे पी लो जाके। अरे मेरे को पेट खराब करेगा। ओके एमिली का वेट करते हैं भाई, एमिली जब तक जाएगी हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक और जूस ट्राई करते हैं बनाने की। ओके ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं ये वाला ट्राई करूँ इसे डाल के, डल जाऊँ। ओह भाई कुछ तो रेडी हुआ है अभी फिर से। भाई जिसको पता है इनका यूज़ कब होगा, ये सॉल्ट वगैरह एंड ये पेपर वगैरह, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ठीक है। एमिली भाई जल्दी जा भाई। ओके एमिली अंदर आ गई, हेलो एमिली जूस पीने जा रही है, नाइस नाइस, जा जा। हाँ जरा टेस्ट करके आऊँ क्या बनाया तूने बवाल। ओके एमिली जा रही है, नाइस। ऑल राइट गाइस, सो एमिली बैठ चुकी है यहाँ पे जूस पीने के लिए बिल्कुल आराम से। ओह जूस है, मस्त जूस है, आराम कर लो। चिखा टट्टी आ रही टट्टी। ओए एमिली कैसे चीख रही है, ये तो बहुत तेज चीखें मार रही है। ओके ओ भाई भाई एमिली की पावर्स को हमने अंडरस्टिमेट कर दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है भाई, पूरी चुड़ैल बनी हुई है, आधी लेक को ये पी गई भाई, सीरियसली। और कैसी खतरनाक आवाज़ निकाल रही थी, ये सीन में अलग से डाल दूंगा ना कट करके। भाई साहब एमिली सॉरी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो आप तो एमिली जी। भाई एक सेकेंड, ये देखो ये सारा जो पत्थर वाला एरिया था एंड ये पूरा एरिया लेक था, ठीक है। अभी यहाँ पे एमिली इसको सूत चुकी है पूरा बुरी तरीके से, कि बैम्बू सारे लेक के पास ही थे। भाई इसने कितना ओए मेरे को चाबी मिल गई गाइस। एक काम करते हैं, सबसे पहले गन उठाते हैं। ओके अभी एक लास्ट पार्ट बचा है गन का, जो कि पता नहीं कहाँ पर है भाई, देखते हैं ढूंढ लेंगे। ओके गाइस, और चाबी हमको मिल चुकी है एंड चाबी लेके चलते हैं फाइनली बेसमेंट को खोलने के लिए। एंड हाँ एमिली पेट सही हो गया? हाँ सही है। ओके एमिली का पेट बड़ी जल्दी ठीक हो गया, समंदर का पानी पी के नहीं झील का पानी पी के एमिली का पेट सही हो गया, मेरा गला खराब हो गया। ओके The last renovations that mom did, she made a conduit between the garage and the basement. All right. Try to make her more angry. भाई कितना एंग्री करना है उसको यार रोज। All right guys, so रोज बोल रही है कि जो एक सेकंड इसे बोलने दो पहले। All right. So guys, यहाँ पर जो रोज़ है ये डोर नहीं खुल पा रहा है बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है इसमें। एंड रोज़ ने बोला है कि एमिली ने यानी इसकी जो स्टेपदर एमिली है उसने बहुत रेनोवेट करवाया था घर को, लास्ट रेनोवेशन जो करवाया था वो ऐसा था कि बेसमेंट का जो दरवाज़ा है, बेसमेंट से एक सीक्रेट सुरंग टाइप उसने इस गैरेज में जोड़ी है एंड हमको वही खोलनी है, ठीक है। उसको खोलने के लिए हमको ये शटर खोलना होगा एंड शटर खोलने के लिए हमको फिर से एमिली को गुस्सा दिलाना होगा। तो एमिली को गुस्सा दिलाने के लिए अभी हमने ये पेंट की कैन उठा ली है एंड इस कैन का यूज़ करके हम लोग एमिली जी को गुस्सा दिलाएंगे। तो चलते हैं एंड कुछ नई चीज़ें हैं इस गेम में ऐड हुई हैं जो कि सामने वाले घर में हैं, तो चलते हैं। एंड हाँ एक और चीज़ें, बहुत सारी कारें ऐड हुई हैं अजीब सी, नैनो कार्स। ओके सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा ये ब्लू वाला पेंट, तो इसको लेते हैं। ऑल राइट, सो ब्लू पेंट हमने कलेक्ट कर लिया है, इससे लेके चलते हैं वापस। चलो 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 चलो। एंड गाइस क्योंकि मैं उल्टी बुद्धि का हूँ तो फिर अभी हम इसको इसके बाद डायरेक्ट, जी हाँ डायरेक्ट हम इस गेम को एक्सट्रीम मोड में ट्राई करेंगे। जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम मोड में ही खेलेंगे इस गेम को।
देन इसको नॉर्मल मोड में, देन इसको इजी मोड में, मतलब पूरा उल्टा चलेगा ये खेल, ठीक है, उल्टा खेल चलेगा पूरा। सो ये हमने यहाँ पे स्प्रे कर दिया, ऑल राइट, यहाँ पे अच्छे से स्प्रे हो चुका है। दोबारा कर दूँ क्या? ओके, अभी हमको रेड वाला पेंट लेके आना पड़ेगा ऐसे ही, चलो ठीक है। गेट स्प्रे विद, ओके, रिफिल द स्प्रे कैन। एमिली जी कहाँ पे तुमने सारा पेंट उड़ा दिया है? भाई एमिली ने ना सारा पेंट खर्च कर दिया पता नहीं कहाँ पे। अब पेंट भर के मुझे लाना पड़ रहा है सारा बार बार। खैर चलो कोई बात नहीं, इस सामने वाले घर के वो कितने बुरे हालत हो रहे हैं भाई, ईंटें निकल रही हैं सारी दीवार से। चलो मैं ऊपर वाले क्यों ले रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे से भी भर सकते हैं, बट कोई बात नहीं है। ऑल राइट, नो पासिंग लगा रखा है भाई गेट पे, ज़्यादा ही ख़तरनाक हो रही है ये। चलो सो अभी हम इस पेंट को यूज़ करके यहाँ पे कुछ तो ड्रॉ करेंगे। आई थिंक पिग लिख रहा है, तो आई थिंक पिग, ओके, एमिली का पिग फेस हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। एमिली सच में बहुत गुस्सा होने वाली है, वेट फॉर एमिली एंड सी हर रिएक्शन। एमिली जी मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है, शटर पे जरा जाके देख आओ। हैं तूने मेरे लिए बनाई है? ए तू तो बड़ा अच्छा है। मैं तो शुरू से ही अच्छा था एमिली जी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ओके एक काम करते, जब तक एमिली वहाँ जाएगी ना, मैं गैसोलीन का जो कैन है उससे उठा लाता हूँ। मैं तो उसको गैसोलीन ही बोलता हूँ, क्योंकि जो आइसक्रीम का गेम है उसमें भी इसे गैसोलीन के रूप में ही देखा है मैंने, एंड ग्रैनी में तो देखा ही है, तो गैसोलीन है ये, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। चलो चलो, बिकॉज अभी हमको ट्रैक्टर चलाना है। जी हाँ गाइस, इस गेम में ट्रैक्टर भी है, बट उसका ज़्यादा रोल नहीं है, एंड में थोड़ा सा ही रोल है। ओके एमिली आ चुकी है आई थिंक। क्या बना दिया तूने मिलने है जे, क्या बना दो है कि? ओके एमिली गुस्सा हो चुकी है यहाँ पे। मैं पहुँच रही हूँ, क्या है शटर खराब कर दो पूरे यार, तू बदतमीज है। ओके एमिली ने यहाँ पे शटर साफ कर दिया है। एक सेकेंड, बट कुछ तो हुआ नहीं यार यहाँ पे। एक सेकेंड, क्या लिख रहा है ऊपर? स्प्रे पेंट द गैराज डोर, कर तो दिया। मेक हर मोर एंग्री विद टोमेटोज वेपन। ये टोमेटोज वेपन कहाँ है भाई मेरे? ओ आई थिंक मुझे वो वेपन तैयार करना पड़ेगा पूरा। हाँ वो जो वेपन था ना अभी, जिसके लिए हमने चार पीस कलेक्ट कर रहे हैं, बट वो अच्छा ये सही है कि पेंट मुझे दोबारा नहीं भर के लाना पड़ेगा, एक बार में जितना भर गया सो भर गया। ओके गाइस मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे, अभी मेरे को ना टमेटोज इकट्ठा करने हैं एंड इसके मुंह पे फेंक मारने हैं। तो चलो टमेटोज इकट्ठा करते हैं, ये रहे आई थिंक। दूर से तो भैया एकदम चेरी लग रहे हैं, बट हैं ये टमेटो, चलो ले लेते हैं। ओ एक सेकेंड, दिस कुड सर्व मी विद सम काइंड ऑफ वेपन। ओके मुझे समझ में आ गया है, वेपन हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो वेपन का जो लास्ट पीस है वो मेरे को पता है कहाँ पर है, सो उसे लेके आते हैं। ऊपर ही कहीं होगा क्योंकि ऊपर से मुझे एक भी पीस नहीं मिला है। ओ हाँ मैं समझ गया, वो बैल्कनी वाला एरिया भाई फिर आ गई है। अरे यार एमिली क्यों बार बार आ रही हो यहाँ पे? ओके गुस्सा आ गया फिर से। ओके फिर से पहुँच के जा रही है। ए, तिवारा करो ना जी, कांड बता दूंगी तेरे को। ओके गाइस एमिली ने चेतावनी दे दी है कि तीसरी बार इसको नहीं करना मेरे को, बट हम करेंगे। ओके इसको खोला एंड यहाँ पे वाल्व रखा है भाई, वाल्व कौन चाहिए? ओके गाइस टमेटो, ओ भाई क्या नाम रखा है, टमेटो लॉन्चर वेपन। वाह टमेटो लॉन्चर ना है, न्यूक्लियर लॉन्चर है वो, ये तो एकदम ऐसा नाम रखा है खतरनाक सा। चलो खैर टमाटर भर के लाते हैं इसमें, आई थिंक अब हम टमाटर ले सकते हैं। चलो 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 ओके सो एक ही पेड़ से आई थिंक, अच्छा एक पेड़ से एक, ये तो यार गलत है। देखो पेड़ पे कितने सारे टमाटर लग रहे हैं, कम से कम 5-6 होंगे एक बार में, ज़्यादा ही होंगे, बट एक एक आ रहा है और पेड़ पूरा खाली हो रहा है, कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है। चलो लास्ट ये ले लेते हैं। ऑल राइट ओके, और ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, नाइस। हेलो एमिली जी, एमिली जी, अरे एमिली, ओ एमिली सुन ले एमिली। यार मैंने कंट्रोल सेट नहीं किया इस साइड को, मुझे पता नहीं था ना कि हमें शूट करने का भी ऑप्शन इस गेम में मिलेगा, अब मुझे कंट्रोल सेट करना पड़ेगा पूरा, बट मैं नहीं चाहता यार, फिर रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ेगा यार, ये क्या हो गया। चलो एमिली को शूट करते हैं। अरे
अरे एमली थोड़ा सा पास आओ, थोड़ा सा ए ए ए ए आगे मजा, ए आगे मजा, आगे खोपड़ा फोड़ू, खोपड़ा फोड़ू। भाई 8 सेकंड के लिए गई एमली। ऑल राइट, काम करता हूँ, दोबारा से इसको लोड कर देता हूँ, है ना। चलो भाई मज़ा आ रहा है एमली को तड़पाने में। मैं बोल ही रहा था लास्ट टाइम कि इस गेम में ना एक वेपन ऐड होना चाहिए, एंड थैंक यू डेवलपर्स बात सुनने के लिए, फाइनली वेपन ऐड कर दिया। ओके 7, 8, 9 एंड ये क्या 10। ऑल राइट, सो ये तो आए भाई, और नहीं चाहिए मेरे को। वैसे मुझे पता नहीं है ये कलेक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं भाई। एंड एक दो टमाटर से इसका कुछ हो नहीं रहा है, फ़र्क पड़ नहीं रहा है इसको भाई। मैं सोच नहीं सकता जब ये एक्सट्रीम मोड में हमारे सामने होगी तो कैसे हम इसको मार पाएंगे भाई, तब होगा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सीन। तो अब जल्दी से मैं स्प्रे पेंट को फिर से कर देता हूँ। आई थिंक अब ये इतनी ज़्यादा एंग्री हो जाएगी ना कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा एंड ये शटर को तोड़ देगी। ओके लाओ भैया स्प्रे लगाया, एंड ये वाला दो, इसको भी लगाया, एंड अभी अपनी जो ये गन है वापस दे दो, इसको यहाँ मारते हैं अब, ठीक है आई थिंक, है ना। अरे एमिली जा रही है, एमिली ओए ये तो गायब हो गया भाई, ये तो गायब हो गया। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं एमिली जी के आने का दोबारा से। आई थिंक अब एमिली जब यहाँ पे आ रही होगी ना ये चीज़ देखने के लिए, ये पेंट जो किया है मैंने, एंड इसी बीच मुझे बीच में 2-3 टमाटर उसके मुंह पे दे मारने हैं ताकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होके आए, एंड यहाँ पे आके ये देखे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो, एंड इतनी गुस्सा हो जाए कि वो इस जगह को तोड़ दे। एंड ये नीचे से धुआं कहाँ से निकल रहा है भाई? रोज़ आर यू ओके? हैं मैं ठीक हूँ। ओके रोज़ तो ठीक है यहाँ पे, एमिली जी यहाँ पे आएगी अब। ओके एमिली आ रही है आई थिंक। ऑल राइट एमिली आ रही है गाइस, परीक्षा की घड़ी। एंड यहाँ पे एमिली को हम ज़रा शूट कर, अरे यार शूट नहीं कर पाया मैं, चलो कोई नहीं अब होना चाहिए। ओके ओके गाइस फाइनली एमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, डिस ने अपना रूप बड़ा कर लिया है कि क्या कर रही है। ओह माय शटर तोड़ दिया इसने तो। ओके हाँ कैसे, अपना ही नुकसान करके चली गई यार एमिली, तू कैसी है इसी बात पे टमाटर खा। यार ये गन में नेक्स्ट टाइम मैं सेट करके रखूँगा इसके कंट्रोल्स। मैं आपको बता दूँ मैं ये गेम पीसी में खेल रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं था कि इसमें ये शूटिंग वाला सीन भी ऐड हो चुका है अब, एंड सारे खा तू हैं, और ये तो गन भी खा ले ले। सो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेट किया ही नहीं, बाकी सारे कंट्रोल तो सेट हैं, बट अगली बार कर लूँगा, इसके और भी गेम रिकॉर्ड करने हैं अभी तो। ओके सबसे पहले ना ये गैसोलीन लेके चलते हैं, एंड ये रहा गाइस ट्रैक्टर। सो इस ट्रैक्टर को जरा पेट्रोल देते हैं। ऑल राइट अब ये ट्रैक्टर यहाँ से चालेगा, ठीक है। और ना अब ये हम चैन ले लेते हैं, और इस चैन को जैसे ही हम इस ट्रैक्टर में लगाएंगे हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड फाइनली स्टेप मदर फैमिली के घर से हम लोग एस्केप करेंगे गाइस। एक्सट्रीम मोड में नहीं है ये, एक्सप्लोरिंग मोड में। सो गाइस आपको गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट टाइम इस गेम को अभी हम लोग खेलेंगे डायरेक्ट एक्सट्रीम मोड में। सो चैप्टर 3 आएगा इसका जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।